तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बना रही हूँ झोल भात, जिसकी मैंने सारी तैयारी कर छोड़ी है। और देखिए, आपको दिखाऊंगी, ये कढ़ाई रख चुकी हूँ मैं। अब इसमें ये देखिए, ये मेरी सासू माँ की कढ़ाई है। ये पता है इतनी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि गहरी है ना ये। और ये मैंने तेल गरम करने डाल दिया, तेल बहुत कम डालती हूँ, झोई में बहुत कम ही डलता है। और इसको मैंने रख दिया ऐसे, तेल हो चुका हो रहा है गरम। इसमें मैंने देखिए क्या रखा है, इसमें मैंने झोई है ना, जो दही है ना, सपरेटा दही, उसको धोल के रख दिया। तो आज मैं बनाऊँगी पकोड़े वाली झोई। इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए, और ये देखिए ये प्याज काटे, ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च क्रश कर दी है सिर्फ बट्टे से। बट्टा रखती हूँ इधर, क्योंकि भाई बहुत छोटी रसोई है, सब ऐसी है, तो जब तक इसमें धुआं उठेगा। तो ये सारे मैंने देखिए ये रख रखा है मैंने, मिर्ची, साबुत राई है, साबुत धनिया और मेथी। तेल ने धुआं छोड़ चुका है, बहुत आंखों में लगता है भाई, तेल धुआं एकदम छोड़ चुका है। देखती हूँ, ये देखिए तेल डार्क से लाइट में आ गया। अब इसमें मैं डालूंगी ये सारा, इसको एकदम रेड हो जाएगी, रेड। क्योंकि एकदम काला काला होता है ना मसाला, बहुत अच्छा लगता है। मेरे ताऊ जी बनाते थे ना जब झोई, तो भाई मेथी एकदम काली कर देते थे, और इतनी स्वाद लगती थी उनके हाथ की झोई, देते तो मीठेपन। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, कर देती भैया, ठीक है ना। और अपना डाड़ी में डालती सब फिलहाल, ये है भारी वाला गैस, ये ऐसे हो जाए, आंखों में बहुत लगता है। कोई नहीं खाता झोई हमारे घर में, ये लाल होंगे ना प्याज, इसमें मैं सारे मसाले डाल दिए। ये मैंने हरी मिर्च और लहसुन डाल दिए, आंखों में इतना लग रहा है भाई, झोई भात खा खा के हम इतने बड़े हो गए। झोई भात, आलू का थीचू, कुछ समझ में नहीं आता, बस यही समझ में आता है। और वैसे भी आज बृहस्पतिवार है, ये चीज़ें तो भाई बहुत ज़रूरी होती है बनानी, पीला पीला भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज पीले भोजन में झोई भात, चने की दाल, आँखों में इतना लग रहा है, आहा। और पकोड़े वाली झोई बनाऊंगी अभी मैं, पकोड़े भी बताऊंगी आपको, दाल मसाला। लक्की को भी अच्छी नहीं लगती, जब मैंने सुमेरे उससे बोला ना मैं झोई बनाऊंगी, तो उसका अजीब सा ही हो गया। अब इसमें मैं देखो मसाले डाल दूंगी, चटपटी बनानी है मेरे को झोई, ठीक है, आपको दिखाना भी चाहिए ना भाई। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी नमक, नमक हम बहुत तेज खाते हैं, थोड़ा तेज। उसके बाद डाली मैंने हल्दी, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और भाई ये है हमारी लाल मिर्च,
लाल मिर्च अब इसे ऐसे कर दो। अब इसमें जब मेरा कुछ भी हो रहा है तो इसमें डालूंगी मैं ये सपरेटा चाहिए जैसे कितने सारा मसाला बहुत पसंद जब तक पकता रहेगा सब चीज़ मेरा रेडी है बहुत ज़्यादा हल्की आँच में भी पकता रहेगा। इसको देखिए कलर कितना मस्त आया है सीटी आ चुकी है कलर देखिए आपको कलर दिखाते हैं रोई का कलर देखिए बहुत मस्त कलर है। इसमें और डालती हूँ मैं पानी क्योंकि भाई गाड़ी गाड़ी धोई मेरे बस की बात है नहीं बारी बारी झोई और झोई में गदा गद डालती हूँ पानी। ये हमारी मम्मी है ना जब हम छोटे थे तो पिछली गली होती ना जो हमारी गली के पीछे वहाँ से वो लस्सी बिचारी देती थी एक अम्मा पतली पतली लस्सी उससे हम झोई बात बनाते थे और उससे भी भाई इतना स्वाद आता था बचपन के दिन दोस्तों चले जाते ना वापिस नहीं आते। मेरा बड़ा ढक्कन पता नहीं कहाँ चला गया इसमें बड़ा ढक्कन लगाऊंगी और अब करूंगी मैं पकौड़ों की तैयारी। तो मैं वीडियो करती हूँ समाप्त। झोई में उबाल आना है बहुत ख़तरनाक वाला मतलब आधे घंटे तक झोई में उबाल मारना है बहुत ज़्यादा यानी कि झोई मैंने ऐसी कर दी झोई में आधा या एक घंटे का उबाल है। इसमें मैं ढक्कन लगा रही हूँ ढक्कन मेरा अंदर है कमरे में तो मेरे चावल मेरे तैयार हो चुके हैं। पता नहीं यार क्यों नहीं लगती लोगों को झोई अच्छी मेरी तो फेवरेट है।